देन इट मीन्स अगर हम बात करें व्हाट इज पैन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर आप आपसे पूछा जाता है कि भाई पैन क्या है, तो सबसे पहले आप उसकी फुल फॉर्म्स के बारे में उसको बताएंगे। पैन इट मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, राइट। पैन और परमानेंट अकाउंट नंबर इज अ यूनिक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिटी बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द सुपीरियर ऑफ द सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू कंट्रोल द टैक्स ऑफ इंडिया। इट आल्सो सर्व एज एन आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ असेसी। और गाइज यहां पर देखिए क्या कि पैन इज मैंडेटरी। जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई पैन कहाँ कहाँ पर मैंडेटरी है, तो देखिए आप बैंक अकाउंट में बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन कराने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें पैन कार्ड मांगता है। अगर आपने वहाँ पे पैन कार्ड नहीं तो फॉर्म 60 के थ्रू काम चला लेता है। लेकिन जब आप 50,000 या उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन्स अगर आप उसमें करते हैं, कैश डिपोजिट करते हैं, तो बोलता है कि भाई पैन कार्ड सबमिट कीजिए, ठीक है। तो पैन इट इज़ मैंडेटरी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स सच एज रिसीविंग टैक्सेबल सैलरी और प्रोफेशनल फीस, सेल और परचेज ऑफ एसेट्स अबव स्पेसिफाइड लिमिट्स, है ना, बाय म्यूचुअल फंड्स। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी एट द बैंक अकाउंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि फॉर्मेट ऑफ पैन। तो गाइज देखिए ये एक पैन कार्ड का फॉर्मेट है, और इसमें आप देखेंगे कि भाई सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो फादर नेम, थर्ड की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ, फोर्थ की बात करें पैन नंबर, देन इसके बाद उसके सिग्नेचर, और उसके बाद सिक्स की बात करें तो फोटो। पहले पैन कार्ड पे फोटो नहीं आया करता था, ठीक है, लेकिन अब पैन कार्ड पे फोटो आने लग गया है, ठीक है, और अब पहले से ज़्यादा बेटर वे में वो प्रिंटेड भी, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी हो गई है ना। तो सबसे पहले नेम, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पैन नंबर, उसके बाद साइन एंड फोटो। तो ये तो आपके पैन कार्ड पे, अब देखिए आपने आपने देखा भी होगा, आपके बहुतों के पास होगा भी, कोई 18 साल से कम है तो उसके पास नहीं होगा, हालांकि बनवा भी लिया होगा, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स के बिहाफ पे बना होगा, है ना, राइट, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, द मेन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट विंडो, द स्ट्रक्चर ऑफ पैन। व्हाट डू यू मीन बाय पैन समझ में आ गया, पैन कार्ड पे क्या क्या प्रिंट रहेगा वो हमें समझ में आ गया, कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है पैन कार्ड, हमें ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के लिए हमें पैन कार्ड की जरूरत चाहिए, जरूरत पड़ती है, TDS की रिटर्न, GST की रिटर्न, रजिस्ट्रेशन करने में, राइट, ऑल मतलब मैक्सिमम फाइनेंशियल चीज़ों से, कोई चीज़ फाइनेंस करानी है तो हमें पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बनवा लेना चाहिए, सबको बनवाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ पैन की बात करें तो देखिए गाइज ये 10 डिजिट्स हैं आपके। अब इसमें जो स्टार्टिंग के ये 3 डिजिट हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम AAA टू ZZZ, यानी कि अगर बात करें तो पैन कार्ड के जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट होते हैं वो हमारे सीरीज वाइज होते हैं, कि भाई AAA से ZZZ के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, AEY। इसके बाद जो फोर्थ लेटर है ये आपको समझना होगा, फोर्थ लेटर क्या इंडिकेट करता है। अब मैं आपको 10 पैन कार्ड दे दूंगा तो आज के बाद आप ये बता पाएंगे कि भाई ये पैन कार्ड किसका है। तो देखिए गाइज अगर फोर्थ लेटर में आपके शो होता है कि भाई पी है, तो पी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, राइट। अगर फोर्थ लेटर इंडिकेट करता है सी, इट मीन्स कंपनी। अगर ए तो एसोसिएशन, अगर एफ तो फर्म, अगर एच है तो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और टी है तो ट्रस्ट। गॉट इट गाइस, यानी कि ये पर्सन के हाँ, अरे इंडिविजुअल, वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स है हमारा पैन कार्ड होगा तो वहां पे पी लिखा होगा। आज देखना अपने पेरेंट्स के पैन कार्ड देखना, अपने अगर बने हुए तो देखना, उसमें आपका फोर्थ लेटर पी होगा, ठीक है। अगर आप कंपनी एक्ट 1950 याद है अपना पैन नंबर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अगर सी होगा तो कंपनी, एसोसिएशन का होगा तो ए, फर्म होगी मतलब मान लीजिए दो लोगों ने मिलके एक लीगलाइज वे में अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी है, तो उनका जो है उसमें पैन कार्ड जो होगा उसमें एफ लिखा होगा, ठीक है।
इसके बाद फिफ्थ डिजिट से लेके नाइन्थ डिजिट तक जो है ये नंबर चलते हैं 0001 से लेके और 999 तक। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि चार डिजिट होंगे उसके बाद, और सबसे लास्ट का जो होगा वो ए से लेके जेड तक कोई भी चेक डिजिट हो सकता है। हाँ, तो जो कंपनी चालू करोगे आपका तो इंडिविजुअल ही रहेगा पैन कार्ड, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल, है ना। इंडिया में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी कंपनी स्टार्ट करेंगे तब आप इंडिविजुअल तो रहोगे रहोगे, लेकिन कंपनी जो स्टार्ट करोगे वो तो कंपनी एक्ट 1956, अब उसको चेंज कर दिया गया था, तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो आपका जो पैन कार्ड होगा वो कंपनी के नाम से अलग बनेगा। हाँ, दो हो जाएंगे। देखो, आपका तो इंडिविजुअल रहेगा ही रहेगा, जो कंपनी जिसको रिप्रेजेंट कर रही है कंपनी, वो कंपनी के किस नाम से है वो अलग होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट उतार लिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की जरूरत नहीं है, नोट करना है। डन, चलो इसको इसको फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से।